हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए मार्च के करंट अफेयर आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, विश्व वन्यजीव दिवस, शून्य विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। यहाँ पर आपको टिक करना है कौन सा मनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर राइट आंसर को टिक नहीं करूँगा, देखिए टिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने किया था विश्व वन्यजीव दिवस, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शून्य भेदभाव दिवस। हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आय, लिंग, आय, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवसाय, विकलांगता, यौन अभिनयास, नशीली दवाओं के उपयोग, लिंग पहचान, जाति वर्ग, जातीयता और धर्म के आसपास की असमानताओं को समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई को उजागर करना है, जो दुनिया भर में प्रचलित हैं। शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक एक तितली है। इसका प्रतीक क्या है? एक तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है, कृपाली पटेल, कौशिक विद्यवाला, सुधीर मित्तल, मंटू देवनाथ, आशीष कुमार। तो यहाँ पर टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI के अध्यक्ष सुधीर मित्तल हैं। कौन है? सुधीर मित्तल। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन NSF के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। इसको किसके रूप में मान्यता दी जाएगी? NSF के रूप में। मान्यता 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए दी गई है। तो ये कब तक के अध्यक्ष लिए चुने गए हैं? सुधीर मित्तल और कौशिक विद्यवाला को अध्यक्ष चुना गया है 2019 से 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2021 में किस देश के अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में आवासीय रूप से भाग लिया? तो इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, इंडोनेशिया, कनाडा। तो यहाँ पर टिक कर देंगे, यहाँ पर इटली सही उत्तर होगा, इटली। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 फरवरी 2021 को इतावली अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में आवासीय रूप से भाग लिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया था। उन्होंने पर्वतकार न्यायसंगत वसूली के नीतिगत कार्यों पर चर्चा की। अन्य मुद्दों में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, वित्तीय समावेशन आज शामिल थे। इटली, इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है इतावली लीरा, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटरेला और राष्ट्रीय खेल है सॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खाद मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गृह मंत्री को टिक करना है, नरोत्तम मिश्रा। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। मध्य प्रदेश को देख लेते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जिलों की संख्या 52 है। मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर टिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, मनप्रीत बोहरा सही उत्तर है। मैंने यहाँ पर टिक किया था विक्रम डेराविस्वामी। मैं क्यों गलत टिक करूँगा? इसलिए क्योंकि आपको दिखा सकूँ सही उत्तर क्या है और उसे एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। कहाँ पर? मैक्सिको में। मनप्रीत बोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।